وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

और लोगों तक सही अकीदा हम सब पहुँचाए अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक बख्शे आमीन मनहज के इस दरस में जो बातें हमारे साथ हैं वो आज की इस दरस में सिलसिला नक्शबंदिया की तरफ मंसूब है सिलसिले नक्शब बंदिया के तल्ल से है और आम तौर से इसे सिलसिला ख्वाजा भी कहा जाता है ख्वाजा ख्वाजा तो ये फ़िर तो जैसे आपको मालूम है कि पहले से हम इस बात पर मुतफ़ हैं कि जो जमात है जमात है उसको जमात कहा जा सकता है लेकिन जो फिरके हैं जो क़ुरान और हदीस से हटकर हैं उनको जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उसे हम फिर कह सकते हैं ये फिर बहाउद्दीन मोहम्मद बिन महम्मद बुखारी की तरफ मंसूब है जिनको शाह नक्शबंद भी कहा जाता है शाह नक्शबंद की तरफ मंसूब है जो इस फ़िरक़े का मुसस है फ़ाउंडर है कल के दरस में या उससे पहले हमने कुछ बातें शुरू की पढ़ ली थी चूंकि रब तो नहीं रहेगा इसलिए हमने चाहा कि इसको फिर शुरू से पढ़ लें ये जो आदमी हैं इनकी पैदाइश बुखारा के क़रीब एक गांव में 618 में हुई और वफात सात सौ इक्यानवे में हुई नक्शबंद क्यों इनको कहा गया बाज़ लोगों ने लिखा कि अल्लाह का जिक्र इस कसरत से वो करते थे कि उनके दिल पर अल्लाह का नाम नक्श हो गया था और ये भी कहा गया कि नक्शबंद इसलिए भी कहा गया कि रसूलुल्लाह वसल्लम ने अपनी हथेली मुबारक शेख मोहम्मद बहाउद्दीन अवैसी के दिल पर रखा तो उस पर आपकी हथेली का अक्स उतर गया अल्लाह के नबी ने जब हथेली रखा तो हथेली का जो सांचा है उनके दिल पर उतर गया ख़बर परस्तों ने इस, इस आदमी यानी वो जो आदमी है बहाउद्दीन बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन बुखारी बहाउद्दीन बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बुखारी इनके ताल्लुक़ से इनके शान में लोगों ने इस हद तक गुरु किया है कि इनको इन्होंने रुबूबियत और उलूहियत के मकाम पर फ़ाइज कर दिया मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला को रब मानते हैं अल्लाह ताला की उलूहियत अल्लाह ताला के लिए खास करते हैं तो उस मकाम पर इनको पहुंचा दिया जैसे यहाँ लिखते हैं देखिए इसी तरह इसकी कबर को भी बुत बना दिया तो नक्शबंदी यह नक्शबंदी इसके जो फाउंडर हैं मोहम्मद बहाउद्दीन बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन बुखारी तो इनकी ख़बर को भी लोगों ने बुत बना बुत बना दिया तो इनके बारे में जो नक्शबंदी हैं तो आपने भी सुना होगा कभी नक्शबंदी सुने हैं तो उनका ये अकीदा है कि कायनात में जो चाहे तसरु कर सकते हैं अल्लाह ताला है किसी को आता करता है किसी को मना करता है किसी को देता है किसी से ले लेता है तो ये लोग हैं जो जो ये तस्वुर रखते हैं कि ये लोग नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं यानी ये लोग ये तस्वुर रखते हैं कि ये जो नक्शबंदिया सिलसिले के जो बुज़ुर्ग हैं बहाउद्दीन ये किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं ख़बर ही के अंदर से सुनते हैं देखते हैं सिफ़ारिश करते हैं और उसी तरह उल्टे पुलटे उलटते पलटते यानी जो भी किसी को इज़्ज़त दे दिया किसी को जिल्लत दे दिया किसी को ऊपर कर दिया किसी को नीचे कर दिया ये सारे काम वो करते हैं इसी तरह गौ से इनको क्या लखब दिए हैं गौ से आदम और गौ से खलाइक गौ से खलाइक खुतब हकीक़त और गौसलवरा सुबहानी वगैरह के अलबाब से पुकारते हैं हमारे पास तो सुबहानी बहुत हैं सुबहानी बहुत हैं उनका अक़ीदा है कि वो मारते जलाते हैं मारना जलाना किसका काम है अल्लाह का काम है अगर ये आकदा इस आदमी के तल्लुक़ से रखा जाए जो नक्शबंदी या सिलसिले के जो फाउंडर हैं क्या नाम है मोहम्मद बहाउद्दीन कम से कम नाम याद रखें बहाउद्दीन मोहम्मद बिन मोहम्मद बुखारी इनको तो आम तौर से शाह नक्शबंदी लोग बोलते हैं शाह नक्शबंदी तो वो चाहे तो पहाड़ को सोना बना दें उनकी करामत इतनी है ताक़त अल्लाह ने इतनी दी है कि वो चाहे तो क्या कर सकते हैं पहाड़ को सोना बना सकते हैं अगर वो अपनी आस्तीन हला दें तो बुखारा के जितने लोग हैं छोटे बड़े रहने वालों में गड़बड़ मच जाए और सब अपनी दुकान और मकान छोड़कर भाग खड़े हों ये बातें लिखी हैं सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिया के एक इमाम शेख अहमद सरहिंदी वफ़ात एक हज़ार चौंतीस शेख नक्शबंदी की शान बल्कि ख़ुद अपनी भी शान बयान करते हुए लिखते हैं गुज्त में हमने पढ़ा था क्या शान इनकी हैं लिखते हैं शाह नक्शबंद कौन क्या नाम है आ, बहाउद्दीन बहाउद्दीन साहब, इनको अर्श पर ले गए किसको उनके जो मुरीद हैं वो हैं उनको अर्श पर ले गए हैं उनका नाम क्या है शेख अहमद सरहंदी शेख अहमद सरहंदी उनको अर्श पर ले गए कहाँ तक ले गए अरश मजीद के ऊपर लेकर चढ़ते गए अरश मजीद के ऊपर लेकर चढ़ते गए मतलब ऊपर तक चले गए दुलारशिल मजीद किसका है वो अर्श अल्लाह का है तो कहते हैं कि एक मर्तबा मुझे लेकर ऊपर ले गए तो मैं इतन, उससे इतना बुलंद हुआ जितना रुए जमीन और अरश के दरमियान का फासला है तो मैंने वहां मैंने वहां शाह नक्शबंद को देखा तो वहां वहां भी वही थे शाह नक्शबंद थे नक्शबंदियों ने अपने इमाम शाह नक्शबंद के बारे में अजीब गरीब कस्म के कशप कराम और, और गैब दानी की बातें लिखी हैं बहुत सारी गैब दानी की बातें उन्होंने लिखी हैं तो तो उनके एक मुरीद ने कहा जैसे लिखते हैं आ, कुछ शेर भी उन्होंने कहे हैं आर्मी में हैं फिर सूफिया फ़िर सूफिया नक्शबंदिया ने अपने इमाम शाह नक्शबंद के बारे में जिक्र किया है कि उन्होंने कहा सो, सो, कहते हैं कि इसके सिवा ताल्लुक़ रखना सालिक के लिए बहुत बड़ी रुकावट है यानी अरबी शहर है इन त्ल कब सिवा अकवा हिजामिन व तकलसुमिनफ़ा उसूली तो मुरीद और उनके पीर का जवाब है इसको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं उससे कोई हमको फ़ायदा तो नहीं है शेख शमशुद्दीन अफ़ानी रहम्ला उन लोगों का जो आक़ीदा था किसका नक्शबंदियों का उस आकदे पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि अगर ये बात नक्शबंद के बारे में सही तौर पर साबित है कि जैसे कुछ वाकीदा रखते हैं जैसे कपर तुबिदीन अल्ला वलकुफ़्र आजिबन लदय वमसलिमिन कबी हो मैंने अल्लाह के दीन का कुफर किया क्या बोलते हैं अल्लाह के दीन का कुफ्र किया और मेरे नज़दीक कुफ्र वाजिब है लेकिन मुसलमानों के यहाँ बड़ी बुरी चीज़ है तो इस तरह का अकीदा इनका है तो वो लिखते हैं कि अगर शाह नक्शबंद का ये अकीदा है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये आदमी बड़ा मुलिद बदीन जिंदी और अल्लाह के दीन का काफिर था और हलोलियों और वहदतुल वजूदियों हलोली किसे कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह में उतर गया है अल्लाह हर में हर एक में अल्लाह है अब ये कुर्सी है ये फैन है ये दीवार है सब में क्या है अल्लाह ही अल्लाह वहदतुल अल्ला अल्ला। वजूदियों और जिंदी के इमाम सूफी हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ये एक इमाम है ये क्या है ये सूफ़ी हुसैन बिन मंसूर हल्लाज 309 में आ, के ये उन्हीं को मानते थे ये उन्हीं को मानते थे आ, ये अल्लाह के वली तो नहीं थे सूफ़ी मंसूर बिन हल्लाज के मुरीद थे तो उसके बाद ये सारी किताबें उनकी किताबों में लिखी हुई हैं उन्होंने हवाला भी दिया है कहते हैं बर कैफ़ नक्शबंदिया एक सूफ़ी फ़िरका और तस्व का मरूफ़ सिलसिला है हम लोग जानते हैं नक्शबंदिया के बारे में ये फ़िरका कैसा है तो हम सब को मालूम होना चाहिए इस फ़िरक़े के बारे में कम अज़ कम इतनी सारी बातें तो मालूम होना चाहिए कि ये फिरका कैसा है कैसे इस फ़िरक़े के ख़यालत हैं तो कहते हैं उसके फ़्रोत में फ़िर मुजदिया बहुत सारे फिरके आते हैं शेख पीरिया वग़ैरह इस तरह के बहुत सारे उनके यहाँ बहुत सारे इहराफा में इहराफात यानी सही क़ुरान और हदीस से हटी हुई बातें हैं जैसे उनके अकायद में यह है हम लोग मानते हैं कि मरने से पहले अल्लाह ताला का दीदार कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते लेकिन उनका मानना है कि मरने से पहले क्या कर सकते हैं अल्लाह का दीदार कर सकते हैं और जैसे वो कुछ तो मानते हैं कि मरने से पहले अल्लाह का दीदार अल्लाह का दीदार कर सकते हैं उनका मानना है कि मरने से पहले अल्लाह का दीदार हो सकता है अच्छा इसी तरह फिर नक्शबंदिया के अक़ायद में यह भी है कि अल्लाह ताला के सिवा मशाइ से मदद मांगना जायज़ है अल्लाह ताला के सिवा मशाइ से मदद मांगना क्या है जायज़ है। तो जिस शेख से चाहे आप मदद मांग सकते हैं और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लम की हदीत है अल हक व हक जहन्नम हक है और जन्नत हक है ये दोनों फना नहीं होंगी जन्नत और जहन्नम क्या नहीं होंगे ख़त्म नहीं होंगे माँ किसी नफ़ी ही अबदा जो जहाँ जाएगा वो वहाँ हमेशा के लिए रहेगा सिवाए अहले कबायर के या उनके जिनको अल्लाह ताला माफ़ करके जन्नत से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दे लेकिन मुशरिकों के लिए कहा अल्लाह फिर इनशर कब वक फिर मदम नदारी का लिम्यशा तो ये लेकिन ये लोग नक्शबंदी आए है कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम फ़ना हो जाएंगे फ़ना हो जाने का मतलब खत्म हो जाएंगी <coughs> इसी तरह एक और चीज़ जिसके बारे में वो लिखते हैं वहदतुल वजूद यानी दुनिया में सिर्फ अल्लाह ही की रात मौजूद है क्या बोलते हैं हर चीज़ में क्या है एक ही रात है वो अल्लाह वहदतुल वजूद इसी तरह एक और चीज़ जिसके बारे में उन्होंने कहा उन्हीं गैब का इल्म होता है नक्शबंदिया सिलसिले के जितने पीर हैं वो सारों को क्या होता है गैब का इल्म होता है और उसके अलावा दीगर बेशुमार बिद और खुराफात हैं जो इन लोगों के पास पाए जाते हैं नक्शबंदिया के जो बेसिक उसूल हैं वो ज़्यादातर सूफ़ी सिलसिलों के मुाफ़ हैं उससे पहले हमने चिश्तिया पढ़ा और ये कौन है नक्शबंदियाँ हैं उन्हीं से मसला इनके यहाँ की बिदातें हैं शर्यात हैं क़बर परस्ती है अकीद वहदतल है और वो ये भी समझते हैं कि उनके जो मशाइ हैं वो कायनत के दर्रों में आ, वो मुतल तसरुफ़ करते हैं कायनत में जो भी है आज कहीं बारिश होना है उन उनसे मदद मांगी जाए तो बारिश हो जाएगी किसी को औलाद नहीं होती है तो वो औलाद भी दे देंगे तो इस तरह की बातें उनके मशाइ के तल्ल से वो लोग सोचते हैं इसी तरह एक और बात यहाँ कही गई वल आदा इससे मालूम होता है कि ये गाली सूफ़ियों का यह सिलसिला है इससे पहले हमने सुना था कई बार पढ़ा भी था कि हर सूफ़ी को हम बुरा नहीं कहते कोई अगर सूफ़ी अल्लाह वाला है दुनिया से बेताल्लुक़ रहता है अल्लाह अल्लाह मस्जिदों में बैठा रहता है और थोड़ा वक्त अपनी रोज़ी रोटी के लिए देता है बाकी अल्लाह ताला की इबादत में लगा हुआ है तो हम उसका एहतराम करते हैं लेकिन फिया जो गाली जो सूफिया हैं गाली सूफिया वो उनसे हमारा इतलाफ है उनके अमाल से हमारा इख्तिला है।, है और ये जो सिलसिला है सिलसिला नक्शबंदियाँ इसे गाली सूफ़ियों से आता है देखिए गाली सूफिया सरासर कुरान सुन्नत के खिलाफ है ये लोग क्या करते हैं क़ुरान सन्नत के खिलाफ हैं तो उसके पैरोकार जो नक्शबंदिया सिलसिले के मानने वाले हैं वो लोग इस बात पर मुसी हैं कि ये पूरी तरह सुन्नत पर मबनी है वो लोग क्या बोलते हैं अब लोग हम लोग सुन्नत हम लोग अहले सुन्नत हैं और लिख भी लेते हैं ना बाज मस्जिदों में मस्जिद आहले सुन्नत वल जमात। अंदर जाएंगे एक काम भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा लेकिन बाहर तो इतना बड़ा बोर्ड नजर आएगा कि हम सारे काम सुन्नत के मुताबिक करते हैं तो इसीलिए कहते हैं व जमात से वो लोग बोलते हैं कि आहलु सुन्ना वल जमात से हम रत्ती बराबर बाहर नहीं हैं अगर कोई सही आहलु सुन्ना वल जमा अगर दुनिया में है तो वो हम ही हैं इस तरह का दावा करते हैं लेकिन बात ऐसी नहीं है ये थी बात किसके ताल्लुक से सिलसिले नक्शबंदिया के ताल्लुक से जिनके मुआस बहाउद्दीन हैं जो शाह नक्शमंद के नाम से जाने जाते हैं और वजह तस्मिया दो बताई गई है या तो अल्लाह ताला का इतना ज़िक्र करते थे कि उनके दिल पर अल्लाह का नाम नक्श हो गया था या ऐसे बताया कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा अल्लाह के नबी वसल्लम की हथेली क्या हो गई अल्लाह के वसल्लम की हथेली उनके सीने पर क्या हो गई नक्श हो गई बर कैफ़ इस इस फिरके के बारे में हमने कहा कि ये फ़िरका आहल सुसन्ना जमात से बिल्कुल हटा हुआ है इसका आहल सुसन्ना जमात से कोई ताल्लुक हरगिज़ नहीं है क्यों नहीं हैं इस फ़िरक़े के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं इन्होंने अपने जो मशाइ हैं मशाइ से अल्लाह ताला से हम मदद मांगते हैं इन्होंने मशाइ से मदद मांगने को जायज़ रखा और क्या क्या बातें इनमें थी अल्लाह ताला का दीदार दुनिया में भी हो सकता है जैसे इन्होंने कहा और ये भी कहा कि जन्नत और जहन्नम दोनों क्या हो जाएंगी फना हो जाएंगी ख़त्म हो जाएंगी जबकि हम कहते हैं अहलसन्ना वालजमा का अक़ीदा है कि दोनों चीज़ें फ़ता नहीं फना नहीं होंगी और ये लोग वहदत के भी कायल हैं तो इसीलिए ओनमा ने ख़ास कर उनका कौल इन्होंने पेश किया शमशुद्दीन अफ़ानी उनकी किताब के हवाले से बात पेश की कि इनके अकायद अगर हम देखते हैं वाकई जो चीज़ें इनकी तरफ मंसूब हैं अगर वो सही हैं तो हमको मालूम ये पड़ता है कि इनका ताल्लुक़ किससे है इनका ताल्लुक़ किससे है मंसूर बिन हल्लाज मंसूर बिन हल्लाज फिर इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा ये ये मंसूर बिन हल्लाज कौन है उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और उनके बारे में बस इतना आप जान ले सकते हैं कि बिन हल्लाज वो एक वो हैं एक आ, ऐसा आदमी जो जिंदी था हाँ? तो उसके उसकी तरफ ये सारे क्या होते हैं मनसूब होते हैं बाद हमारे साथ <coughs> यहाँ एक चीज़ है जिसको इन्होंने बयान किया है कि आ, आ, उसके बाद जिसके बारे में इन्होंने यहाँ लिखा है वो हैं सिलसिले ये तो हम लोग ये भी ज़्यादा सुनते हैं ये सब जिंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं जब आप में जाएंगे तो इसे याद रखें इसलिए कि ऐसे बहुत सारे लोगों से हमें पाला पड़ जाता है जो ये बड़े बड़े अलकाब बड़ी बड़ी टोपियाँ बड़े बड़े दस्तार बड़े बड़े ये सारी चीज़ें बांध लेते हैं और हमको ज़रा हमारी हालत देख के ज़रा डर हो जाता है हमारे पास इतनी बड़ा इतनी बड़ी दाढ़ी तो नहीं है इतने बड़े वो अमामे तो नहीं हैं ये सारी चीज़ें नहीं हैं और इनकी जो जाहरी हालत देख के कभी तो अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी दीनदारी क्या है इनके अल्लाह ताला से कितने करीब हैं कुरान और हदीस में इनका कितना मुक़ाम है तो सिलसिले चिश्तिया हमने पढ़ लिया सिलसिले नक्शबंदिया हमने पढ़ लिया हमारे साथ है सिलसिले कादरिया इन इसको हम कल के दरस में लेते हैं ताकि बात में रबत हो बात में तसलसल हो सारी बात हमारे समझ में आ जाए तो इन कल के दरस में हम उसे पढ़ेंगे अल्लाह ताली हम सबको सही अता फ़रमाए आमीन वालेक वरह बबरकू